अ न्यूज अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय सक्षम अकेडमी। पता रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मेरा नाम है आयुष आनंद। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के एक बयान ने देश में काफी सुर्खियां बटोरी है, जिसके बाद देश में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के खिलाफ विरोध भी देखा जा सकता है। इसी कड़ी में रीवा में आज भाजपा नेताओं के द्वारा पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और पुतला जलाकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान का विरोध किया गया। आपको बता दें कि इस बयान से देश में काफी आक्रोश है, जिसके बाद देश में पाकिस्तान के विदेश मंत्री को लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर विरोध देखा जा सकता है। और इसी कड़ी में रीवा में आज भाजपा नेताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और पुतला फूंका। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कुछ आपत्तिजनक और अनर्गल बातें कही हैं, जिस पर भारत में काफी आक्रोश है। दरअसल आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक न्यूयॉर्क में हुई, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की पोल खोल दी, पाकिस्तान में पनपते आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को घेर लिया, जिसके बाद बौखलाए पाकिस्तान के विदेश मंत्री के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के विदेश मंत्री को जब कुछ ना सूझा तो उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ आपत्तिजनक और विवादित बातें कही। इन बयानों के बाद देश में बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर सभी प्लेटफॉर्म्स पर विरोध देखा जा सकता है। उसके विदेश मंत्री के खिलाफ कड़ा विरोध हम देख सकते हैं। रीवा में आज इसी बयान पर विरोध जताते हुए भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ खूब नारेबाजी की और कहा कि जिस तरह से विदेश मंत्री ने हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में विदेश में जाकर अनर्गल बातें कही हैं, उसके विरोध में आज हम उनका पुतला दहन कर रहे हैं। आइए सुनते हैं पूर्व राष्ट्रीय मंत्री बीजेपी युवा मोर्चा गौरव तिवारी ने इस पर क्या कुछ कहा है। बिलावल भुट्टो ने जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में विदेश में जाकर जो अनर्गल बातें की हैं, उसके विरोध में हम भाजपा के कार्यकर्ता उनका पुतला यहां दहन करने आए हैं। देश के मान सम्मान के लिए, प्रधानमंत्री के मान सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। हमारा भारत देश हर जो भी सर्वश्रेष्ठ हो सकता है देश के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है, प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस के विरोध में हमेशा रहा है, उसके विरोध में आज पूरा देश का जनता आक्रोशित है। हमारी पार्टी पूरे देश में इस विरोध में उनका पुतला दहन कर रही है, उनके खिलाफ प्रेस वार्ता कर रही है, और हम ये सहन कतई नहीं करेगी। देश की जनता कभी ये सहन नहीं करेगी कि नरेंद्र मोदी का कोई भी विरोध इस तरह से किया जाए किसी भी देश के द्वारा। इनको मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से कि देश विदेश में जहां भी भारतवंशी हो, इस बिलावल भुट्टो को जूते का माला पहनाए, जहां भी मिले वहां जूते का माला पहनाए। जिस तरह से इसने बात किया है गुजरात के विषय में, जो बात किया है उसका परिणाम अभी जनता ने दिखा दिया है। और हम तो हंसी आती है विरोधियों पर भी, जो हमारे यहाँ के विरोधी हैं वो इस पर हास्य और प्रलाप कर रहे हैं, वो मतलब बिलावल भुट्टो के बयान को एक तरह से समर्थन दे रहे हैं, तो ये कतई अपेक्षित नहीं है और हम इसे कतई सहन नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद। अ न्यूज अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय सक्षम अकेडमी। पता रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा।